जादू है भैया हाथों में तुम्हारे। किसी किसी आवाज आ रही है? वही तो कह रहा हूँ यार, जरा पलट पलट के भी देखते रहना भाई। भाई यहाँ जहाँ तक नजर जा रही है सब चाय पत्ती है। क्या कल देगा था वो रात को? अभी दिख जाए तो क्या होगा। इस समय हम लोग हैं बैजनाथ मंदिर में और ये 1100 साल पुराना। गो कैंपिंग, गो कैंपिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और भाई आज हम लोग कसौनी से चल चुके हैं, करीबन हम लोग आ गए हैं 30 किलोमीटर आगे आए हैं। तो भाई ये बैजनाथ बैराज है और ये बड़ी प्यारी सी झील है देखिए, और यहाँ पर बैजनाथ जी का मंदिर है। तो भाई हमने कहा कि सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आगे को निकलेंगे। तो चलिए भाई आपको मंदिर दिखाते हैं। कितने का है? 10 रुपए का। अच्छा, खिलाने देते हैं यहाँ पे? हाँ। कहीं पता चल रहा है तू बबाल करा दे, कहीं आ जाए कोई पंडित जी डंडा लेके आ जाए और कहेंगे तू मछली को दाना कैसे खिला रहा है। ना ना, इसलिए आती हूँ, वहाँ पे खिलाते मंदिर में। खिलाते हैं? हाँ। चल ले तू तो भाई, चल रख ले तू। हाँ ले लो, चलो चलो। ठीक है बेटा, कोई बवाल ना करा दे। ना ना भैया, खिला सकते हैं? हाँ यहाँ से खिला दो, देखो यह मछली आ गई है। अच्छा, तो इन्हें खिला सकते हैं? तो भाई मछलियों को दाना खिला सकते हैं यहाँ पर, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो यहाँ नहीं, वहाँ पर? हाँ वहाँ पे भी है बहुत सारी। ज्यादा कहाँ पर आती हैं? ओ मंदिर के आगे बहुत सारी मछलियाँ। ये देखो आ तो गई यहाँ पे, ये देखिए भाई। तो भाई इस समय हम लोग हैं बैजनाथ मंदिर में और ये 1100 साल पुराना भोलेनाथ का मंदिर। तो जय भोले की, जय भोले की। अच्छा आगे बता रहे हैं भैया, आगे मतलब पंडित जी 1100 साल पुराना है। अच्छा, तो भाई ये 9th और 10th सेंचुरी का है, ज़बरदस्त। यहाँ ये टी गार्डन है, तो टी गार्डन देखते हैं भाई चल करके। और पहले यहाँ पे टिकट देना है यार। काफ़ी बड़ा बागान है यार ये चाय का, देखिए भाई कहाँ तक फैला हुआ है यार, सब जगह चाय पत्ती चाय पत्ती चाय पत्ती यार, गजब। आगे वो हल्दी के पेड़ हैं भाई, यहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है सब चाय पत्ती है। इधर नाशपाती है, चाय पत्ती है, तेज पत्ता भी है भाई, बहुत तेज पत्ते का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है यार। ये देखिए भाई कितना बड़ा पेड़ है तेज पत्ते का, ये तो बगीचा भाई पता नहीं बहुत दूर तक फैला हुआ है भाई। बाकी सारे पेड़ तो सही है, ये काय का पेड़ है भाई? चुस्की का पेड़ है ये तो भाई, पहली बार देखा भाई ये चुस्की का पेड़। पक्का कोई फल होगा, ये चूस चूस के खाते होंगे। ये क्या है? तो हल्दी। अरे मैं कहूँ क्या आ गया, ये डरा दिया यार इसने।
चलो भैया, कहाँ कहाँ जंगल में कहाँ घुस रही हो? वाह, दिख गया कल देगा था वो रात को। अबे दिख जाए तो क्या होगा। चल 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 भाई, चल जल्दी चल। यार कैसे जैसे बल्ब टंगे हो ना, इतना सुंदर लग रहा है। चलिए भाई साहब, थक गई। इतनी जल्दी? हाँ, नीचे उतरना तो आसान था यार, चढ़ना बड़ा टफ। तो भाई चढ़ाई भी तो कम थोड़ी है। ऐसे होने लगा। हाँ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। चल पे सेटअप लग चुका है। इस समय हम लोग हैं बागेश्वर में और हम भाई अपना चैलेंज पूरा कर रहे हैं। हम रात को होटल का खाना नहीं खाएंगे, हम अपना खुद बना रहे हैं। पूरी गैस वैस सब हमारी निकली हुई है भाई, और उसके बाद फिर हम लोग भाई यहीं पे स्टे करेंगे। और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऊपर भी एक घर है और यहाँ पर दो दुकान है साइड में, तो भाई यहाँ सेफ है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये रहा भाई खीरा, ये है हमारा दही। अब भाई इसे मैं जो बस टकाटक 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 इसे कद्दूकस कर लिया जाए फटाफट। अभी तक मैं काम कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। अब तुम्हारे हमारे हाथों में अंतर है भाई। गो कैंपिंग, गो कैंपिंग। तो बना लूं मैं, फिर लोग कहेंगे कि मैं तुम्हें ऑर्डर मारता रहता हूँ। अब मसाला लाओ, मसाला लाओ, एक ही ना रहता मसाला, नमक मिर्चा। वाह भाई वाह, मेहनत रंग लाई लड़की की। भैया देगा रे, गजब यार तुमने तो एकदम जान डाल दी इसमें। तो भाई हमारी गाड़ी में देखिए ये सब सामान हमारा ऐसे। अब ये भाई हमारा बैग वैग सब बिल्कुल ऐसा हो गया, मैं क्या बताऊँ। अब इतने थक गई हूँ कि मेरे को सोना है। तो हमें तो जागना है जैसे बहुत। तुम जागते रहो, मैं तो अभी दो घंटे जागूँगा। भाई हमारा ये फ्राइड राइस, वो जैसे हम खाएंगे रायते के साथ। हल्का फुल्का खाना बनाया भाई? नहीं, अच्छा खाना बना बहुत। चलो फिर कुर्सी लगा लेते, मस्त खाते बैठते आराम से। गजब बनाया भाई, रायता लोगी थोड़ा? भाई बंदी रायता नहीं खाती है, हम तो भाई भर भर के खाते हैं। यार इतना मस्त कैसे बन सकता है? तो भाई ऐसी वादियों में आके ऐसा खाना मिल जाए और क्या चाहिए भाई जिंदगी में। मजा आ गया भाई, जादू है भैया हाथों में तुम्हारे। कैसी कैसी आवाजें आ रही है? वही तो कह रहा हूँ यार, जरा पलट पलट के भी देखते रहना भाई। सन्नाटा हो गया। उल्लू की आवाज है। तो भाई अब हम कार के अंदर घुस जाएंगे अपनी, बस हो जाएंगे मजे से। वैसे भाई ये ऊपर घर है और एक घर इधर है, वहाँ दो दुकानें भी हैं भाई, बस पर सेफ है। मिर्च दे दो तुमको, मिर्च मिर्च तुम खा लो। अरे बड़ी मस्त मिर्च है, ये देखो ये बड़ी वाली तीखी है बहुत। बताइए क्या हुआ? तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और बहुत बढ़िया हमारा यहाँ पे डिनर हो गया है, जिसमें इन्होंने बढ़िया चावल बनाया, मैंने भाई रायता बनाया। अच्छा बना था रायता, थोड़ा खट्टा हो गया था, वो दही थोड़ा शायद पुराना होगा एक आध दिन। और भाई हमारा ये बेड तैयार है और इसमें एक दो बैग पड़े हैं भाई, वो हमें आगे सीट पर रखने हैं, उसके बाद एक तरफ इनका और एक तरफ हमारी तरफ। काफ़ी अच्छे से हम लेट जाते हैं इसमें, हमें मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। और बाकी भाई अगर कैंपिंग का मतलब ही भाई है कि आपको थोड़ा सा
हार्ड होके थोड़ी सी परेशानी झेल करके ही काम को करना है। आसानी से हो जाए तो वो कैंपिंग नहीं है भाई। जो कैंपिंग पहाड़ पे हाइकिंग करके करते हैं, जिसमें हमें थोड़ा ट्रैकिंग करके जाना होता है, वो कैंपिंग हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें हम टेंट टेंट लगाते हैं और भाई आप लोगों को भी व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। रोड के पास व्यूज़ नहीं मिल सकते, व्यूज़ के लिए भाई ऊपर चढ़ना पड़ता है, वहीं पर व्यू अच्छा मिलता है। हार्ड तो होता है भाई कैंपिंग में, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होता है। और एकदम से भाई इतनी ट्रैवल करके आओ, फिर उसके बाद अपना खाना वाना बनाओ, फिर भाई कार में ही सोना है, घर तो नहीं होता है, मगर भाई मज़ा आता है नेचर में आके। सबसे बड़ी चीज़ होती है जो ये नेचर व्यू दिखते हैं ना भाई, ये बस सारी थकान मिट जाती है इनको देख करके। ऐसा लगता है कि बस भाई यहीं पे बैठे रहें, और मतलब दो दो तीन तीन घंटे भाई बीत जाते हैं, उसके बाद लगता है कि अब अंधेरा हो गया और जल्दी भागो। तो भाई फिर हम लोग जल्दी जल्दी भागते हैं। और भाई आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मस्ती के साथ, तब तक के लिए बाय। और भाई लाइक करिए, कमेंट करिए और ढेर सारा सब्सक्राइब, इतना सारा इतना सारा अभी कभी कर दीजिए।